हेलो दोस्तों, आज पंक्चुअलिटी के पावर पर हम बात करने जा रहे हैं। अगर आप उनमें से हैं जो एक बार में ही किसी रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, अगर आप उनमें से हैं जो अपने सभी कामों को सही टाइम पर पूरा करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, पंक्चुअलिटी एक ऐसी आदत है जो मुझे बहुत सालों पहले ही लग गई थी और जिसकी वजह से बहुत सारे मेरे पुराने दोस्त मुझसे दूर हो गए, लेकिन बहुत अच्छे और नए दोस्त मेरे साथ जुड़ना शुरू हो गए क्योंकि वह सभी अपने टाइमिंग का वैल्यू करते थे। दोस्तों, किसी को टाइम पर मिलना सिर्फ उतना ही पंक्चुअलिटी का काम नहीं है, यह आपकी रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाने का काम करता है। जहां आज के इस भागते दौड़ते दुनिया में हर कोई बिजी चल रहा है, वहां सही टाइम पर किसी से मिलना, उन्हें रिस्पेक्ट देना और अपने कमिटमेंट को पूरे करने, ये एक समान है। चलिए देखते हैं पंक्चुअलिटी की वजह से हमें हमारी लाइफ में कौन कौन से फायदे होते हैं। मैं वीडियो के एंड में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि किस तरह से आप इस पंक्चुअलिटी की क्वालिटी को अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक कहानी है, महात्मा गांधी और वो बाइसिकल से कहीं पर जा रहे थे, उसकी कहानी है। एक बार गांधी जी को एक किसी गैदरिंग को एड्रेस करने के लिए जाना था। शाम का 5 बजे का समय दिया गया और ऑर्गेनाइजर ने उन्हें कह दिया कि आपको लेने के लिए गाड़ी आ जाएगी, उसमें आपको आना है। गांधी जी ने 4:30 बजे तक गाड़ी का इंतजार किया, लेकिन जब गाड़ी नहीं आई, वे अपनी पुरानी साइकिल के साथ घर से रवाना हो गए और सही 5 बजे उन्होंने अपना भाषण शुरू कर दिया। ऑर्गेनाइजर्स जब 5 बजे उनके घर पहुंचे, उन्हें मालूम चला गांधी जी जा चुके हैं और उनका भाषण शुरू भी हो गया है। दोस्तों, अगर आप ऑर्गेनाइजर की जगह पर होते तो कौन कौन सी क्वालिटीज यहाँ आपको गांधी जी की महसूस होती? पहली क्वालिटी, जिम्मेदारी। लोग वहां आपको सुनने आ रहे हैं, उन्होंने अपने कंफर्ट को नहीं चुना, उन्होंने अपने जिम्मेदारी को समझा और आगे बढ़े। दूसरी क्वालिटी, रिसोर्सेज का चुनाव। हम अक्सर यह नहीं मिला, वो नहीं मिला, कोई नया कोई कारण बता करके चीजों से दूर भागते हैं, लेकिन यहां अपने रिसोर्सेज को उन्होंने पहले ही चुनकर रखा होगा कि अगर ये नहीं तो क्या ऑप्शन है। तीसरा, इम्पॉर्टेंस। अगर क्या होता वो 15 मिनट लेट पहुंचते, लोग तो उन्हें सुनने के लिए आए थे, वो वेट कर लेते, लेकिन अगर उस डिस्कशन को सही रूप देना था तो उसे सही समय पर शुरू करना जरूरी था, नहीं तो लोग उनकी नेगेटिविटी की वजह से शायद यहाँ वहाँ की बातों से गांधी जी की जो पूरी बात उन तक पहुँचनी थी वो पहुँच नहीं पाती। चौथा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। आज हम गांधी जी को जी लगा कर पुकारते हैं क्योंकि उन्होंने इसी तरह से सभी लोगों के हर चीज़ की रिस्पेक्ट की थी, इसलिए आज उनकी भी रिस्पेक्ट की जाती है। पांचवा, फॉलोइंग देयर डिसीजंस। गांधी जी ने कमांड को इतने लोगों को फॉलो करते हैं और क्योंकि लोग उन्हें फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने कमिटमेंट को फॉलो करते हैं, इसीलिए उनके निर्णयों को भारतीय जनता एक रिस्पेक्ट के साथ देखती है। छठा, मीटिंग एक्सपेक्टेशंस। जो अपने पूरे दिन को सही से प्लान नहीं कर सकता, वे लोगों की एक्सपेक्टेशंस को कैसे पूरा करेंगे, इसीलिए हमारा पंक्चुअल रहना हमारे प्लानिंग को दर्शाता है। स्ट्रेस फ्री, सोच के देखिए जब वे अपने सेट टाइम पर वहां पहुंच गए होंगे, क्या उन्हें कोई स्ट्रेस रहा होगा? वहीं अगर वो लेट पहुंचते तो शायद उनको अपनी बात कम समय में पूरा करने का स्ट्रेस बना रहता, तो पंक्चुअलिटी अपने आप को स्ट्रेस फ्री बनाने का रास्ता है। आठवां, रिलेशनशिप। क्या लगता है आपको किस प्रकार की रिलेशनशिप डेवलप की है बापू ने पूरे भारत के साथ? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नौवां, क्रिएटिंग अ ब्रांड। और जब आप लगातार पंक्चुअल रहते हैं, आप एक ब्रांड बन जाते हैं। तो दोस्तों, पंक्चुअल रहना मतलब सिर्फ टाइम पर पहुंचना नहीं है, हमें अभी बताई गई सभी क्वालिटी को डेवलप करना है तो पंक्चुअल बनने जैसा है। अब सवाल बनता है कि कैसे इस क्वालिटी को डेवलप करें। बहुत जल्द इस पर हम एक डिटेल वीडियो शेयर करेंगे, लेकिन तब तक आप अपने कमिटमेंट चेक करें। ऐसे कितने कमिटमेंट्स आपने दिए हैं जो आपको अपने लक्ष्यों की तरफ नहीं ले जा रहे हैं? धीरे धीरे उन्हें आप दूर करना शुरू करें, आप पंक्चुअल रहना शुरू कर देंगे। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।